भाइयों, आज अपन चल रहे हैं होंडा की लिवो पर। बहुत ही अच्छी बाइक है ये, और इसकी सीटिंग बहुत अच्छी है, कंफर्ट बहुत अच्छा है, और जो सीटिंग हाइट है रोड से सीटिंग हाइट है वो भी बहुत अच्छी है। एकदम आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत हाइट पे बैठे हैं, ग्रिप आपका अच्छा आएगा, पोस्चर अच्छा आएगा। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बाइक है जिनकी हाइट बहुत अच्छी है, जिनकी हाइट कम है उनको शायद इस पर बैठने और इसे चलाने में थोड़ी सी तकलीफ हो। ये देखिए, शानदार सा एक रोड किनारे होटल, और अब अपन चल रहे हैं। आज आपको ये वीडियो बनाने का ये मकसद है कि मैं इसकी होंडा लिवो की टॉप स्पीड आपको बताऊं। अभी मैंने टॉप स्पीड पे नहीं चलाया इसको, अभी मैं सिर्फ आपको मीटर पे बता रहा हूँ। ये अप्रॉक्स 40 से 50 की स्पीड पे हम चल रहे हैं, रोड खाली नहीं मिल रहा है, इस वजह से आपको बता नहीं पा रहा हूँ मैं इसकी टॉप स्पीड क्या है। बाइक बहुत अच्छी है, और अभी इस सर्दी का भी मौसम है, ज़्यादा तेज़ चलाएंगे तो आपको ठंड लगेगी, आँखों में पानी भी आ जाएगा, हेलमेट भी पहना होता है। और ये बकरियाँ जो हमारे देश में बहुत अच्छे से पाई जाती हैं, और देखिए पूरी आधी रोड इन्होंने घेर रखी है, बकरियों का रोड पर झुंड चलते हुए। अब मैं आपको शायद, अरे अरे अरे, कैमरा, अब मैं आपके रोड की तरफ फेस कर लिया है कैमरा। फ्रेंड्स, अब मुझे रोड थोड़ा सा खाली मिला है, अब मैं इसमें देखिए दौड़ा रहा हूँ, और ये 60 के ऊपर धीरे धीरे, 70 और ये 75 के ऊपर, और ये 76 और ये 77 और ये 78, और ये देखिए कहाँ तक जाएगा लिपो का ओडोमीटर। और ये देखिए रेस बहुत बढ़ रही है, आज अपन इसकी टॉप स्पीड इसको चलाएंगे, और ये 80 के 8 पर, और ये बस 80 पार कर लिया है इसने, 80 पार करके 81 तक ये चली गई है। बहुत स्पीड हो गई थी, हवा बहुत तेज़ चलने लगी, बिल्कुल मोबाइल भी मेरा हिलने लगा जिससे मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो आपने देखा इस वीडियो में ये 80 प्लस चली जाती है, मैंने इसको टॉप 85 तक दौड़ा रखा है। थैंक यू।